भी एक कुक यानी मोर। हमारे कई देवी देवताओं ने मोर को प्रमुख स्थान दिया है और जिनमें से एक बाबा बालकनाथ जी हैं जिन्होंने मोर को प्रमुख स्थान दिया है। इसको शुद्ध और पवित्र माना जाता है और हर देवी देवता के मंदिर में इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगर बात करें भारतीय मोर की, तीतर नामक पक्षियों की समूह की एक प्रजाति है। नर को मोर कहते हैं और जबकि मादा को मोरनी कहा जाता है, साथ में वे मोर हैं। सामान्य नाम भारतीय मोर, वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेड। प्रकार पक्षियों, आहार सर्वहारी। समूह का नाम दल। आकार शरीर 35 से 50 इंच, पूंछ 5 फीट, वजन 9 से 13 पाउंड तक होता है और इनको जंगल में औसतन 20 साल या इससे अधिक जीते हुए देखा गया है। मोर उड़ने वाले सभी पक्षियों में से सबसे बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग, ईमू और ऐसे अन्य कई बड़े पक्षी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। ये बात अलग है कि मोर ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता, एक डाल से दूसरी डाल तक ही जा सकता है। मोर की पूंछ को ढकने वाले खूबसूरत पंख 5 फीट तक यानी 1.5 मीटर लंबे होते हैं। पक्षी के शरीर के लंबे और एक शानदार पंखे में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। चमकीले रंगों का ये लंबे पंख वास्तव में पक्षी की पीठ से उगते हैं और ना कि उनकी पूंछ से, और उनके नीचे से बहुत छोटे पूंछ पंखों को ऊपर उठाकर उन्हें ऊपर उठाता है। मोरनी अपने पुरुष समक्षों की तुलना में अधिक नीरस होती हैं। ज्यादातर सफेद पेट्स के साथ उनकी पीठ पर भूरे रंग की होती है। मादाओं के पास लंबी पूंछ के पंख नहीं होते लेकिन उनके सिर पर एक कलगी और गर्दन के हरे पंख होते हैं। भारतीय मोर दक्षिण एशियाई में भारत और श्रीलंका के मूल निवासी हैं और इन्हें अन्य देशों में भी पेश किया गया। आमतौर पर पार्कों और चिड़ियाघरों में और प्रकृति केंद्रों में या घरेलू पालतू जानवरों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वयस्क मोर के सिर और शरीर की लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है और उनकी पूंछ 5 फीट लंबी भी हो सकती है। और बता दें कि भारत में भारतीय मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है और ये राष्ट्रीय पक्षी कई और देशों ने भी घोषित किया हुआ है।